बकरी को पकड़ा था क्या भालू? हाँ तो बकरी को पकड़ा तो मैं उसको नहीं देख पाया। जय श्री राम। तो लगभग 2 दिन यहाँ पर मैं रुका घगरा में, लेकिन आज लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर पैदल चल के पहुंचना है छतौड़ा। वहां पर भी सीतामढ़ी है और वहां पर भी श्री राम जी अपने वनवास के दौरान रुके थे। लेकिन इस यात्रा में मैं अकेला नहीं रहूंगा। यहाँ पर मतलब घगरा के आश्रम में ये यहाँ पर मतलब रहते हैं और ये मेरे साथ कहें कि मैं भी तुम्हारे साथ 25 से 30 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करूंगा, क्योंकि लौट के हमें इसी रास्ते पे आना है और लौट के यहाँ रुक जाएंगे, फिर अपनी यात्रा को मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। तो चलते हैं, लेते हैं प्रभु का नाम, बोलो जय श्री राम। तो भैया क्या नाम है आपका? केशव शरण। हाँ सॉरी, इन्होंने बताया था, मैं बार बार भूल जाता हूँ नाम। केशव शरण इनका नाम है। तो कभी अगर घगरा में आते हैं आप तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं, दर्शन वगैरह कर सकते हैं और नेचर का मजा ले सकते हैं। और वैसे ही अगर आप जैसे छतौड़ा जाएंगे तो छतौड़ा में इनका जो ये जो है छतौड़ा में रहेंगे, यहाँ पर इनके जो बड़े गुरु जी हैं वो यहाँ रहते हैं और ये जो रहेंगे छतौड़ा में। तो छतौड़ा में ये देखने के लिए अभी फिलहाल जा रहे हैं, इसलिए कहें कि 25 से 30 किलोमीटर पैदल आता मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा। चलो मैं भी मेरे इसी बहाने टहल लूँगा, मैं भी घूम लूँगा। हमने चलिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये सब जो पेड़ है ये किस का पेड़ है भैया? कौन ये सब जो है? महुआ। महुआ का है? हाँ। अरे इधर महुआ का पेड़ बहुत देखने को मुझे मिल रहा है चारों तरफ। चलो जय श्री राम। ये बिल्कुल एसी वाला होटल है, वृंदावन का होटल है। वृंदावन समझ भैया कहाँ माँ? मैं तो समोसे खा लिया, लेकिन ये नहीं खाए समोसे क्योंकि इनको लहसुन प्याज वगैरह नहीं खा सकते और ये केवल चाय के भरोसे चल रहे हैं। अब कहीं थक ना जाए भैया जी। वैसे ये एक बार पैदल यात्रा वगैरह कर चुके थे। मेन बात होता है ना कि वो आदत होता है, अगर आप आदत बना लिए पैदल यात्रा का तो आप कम भूख में भी मतलब कम अगर पेट भी ना भरे तो चल सकते हैं। अगर आदत नहीं होगा ना तो फिर आप 10 किलोमीटर की दूरी चलिएगा तो आपको बहुत तेज भूख लगेगा उस वक्त। का पेड़ देखे हुए कितने दिन हो जाते हैं, शहर में तो आम के पेड़ दिखते नहीं। वो जब मैं गांव में रहता था ना भैया जी, तो पता है क्या होता था उस वक्त? क्या करते थे ना कि हम गांव गांव में मतलब कि खेती वो आम तोड़ने जाते थे, पत्थर से मार मार के तोड़ते थे। वो दिन ही क्या दिन थे। अब तो आम का पेड़ देखने को मिलता ही नहीं है शहर और में, गांव में जो मिल गया मिल गया। लेकिन अब लोगों के पास उतना टाइम नहीं जितना पहले लोगों के पास टाइम था। तो एक बात बताता हूँ भैया जी, आम का पेड़ देख के मुझे एक अपने बचपन का दिन याद आ गया। तो जब मैं लगभग 4 या 5 साल का था उस वक्त, तो एक लड़की हमारे गांव में आई हुई थी रिलेशन में। उस वक्त इतना मुझे पता भी नहीं था कि क्या क्या रिलेशन होता है। तो मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए भैया जी, हाँ। मैं लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर गया आम के पेड़ के पास और एक पक्का आम खोज रहा था कि मैं पक्का आम खिलाऊंगा उस लड़की को, मैं इम्प्रेस करूंगा मैं और वो खुश हो जाएगी। और एक आम मुझे मिला सबसे टॉप पर वो आम था और लगभग मुझे आधे घंटे लगा उस पत्थर से तोड़ने में। मतलब निशाना लगाते थे ना पहले तो हम, तो आधे घंटे बाद जब वो आम मेरे हाथ में आया है ना तो उस लड़की के पास लेके गया मैं। तो वो लड़की जानते हैं फिर क्या की, उसे कचरे के ढेर में फेंक दी। मेरा सारा मेहनत खराब हो गया। मैंने कहा कि अरे यार, एक तो इतनी मेहनत लगा, मतलब कि 3 किलोमीटर गया भी आया भी और आधे घंटे निशाना भी लगाया मैंने, फिर भी बाद में उसने बहुत दिल तो टूटा। दिल क्यों टूटेगा, दिल तो जुड़ा ही नहीं था पहली बात। लेकिन इम्प्रेस जो करना था वो मेरा फेल हो गया मिशन। अब ना चलो कोई नहीं, सब चलता रहता है यार। जय श्री राम। तो अरे यार, तो आपसे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं आपकी जिंदगी में वो जियो सिम की तरह होते हैं। मतलब जहां पर सारे नेटवर्क अच्छे से काम कर रहे होते हैं वहीं जियो जो है वो स्लो रहता है या फिर नेटवर्क में रहता नहीं है। लेकिन जहां पर सारे नेटवर्क फेल हो जाते हैं वहीं पर जियो जो एक खंभे के साथ भी आपका साथ देता है। ठीक उसी प्रकार से जिंदगी में बहुत लोग होते हैं जो वो भले खुशियों के समय नहीं रहते होंगे, लेकिन जब आपका दुख या पीड़ा होता होगा तो वो आपके साथ जियो सिम की तरह एक खंभे के साथ रहते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानिए और उनका साथ दीजिए, उनको टाइम दीजिए। तो अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे, है ना भैया जी? सही बोला ना मैंने? सही। यार ये सब जो है ना, ये बातें सब ट्रैवल करके एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे। बाबा जी को भूख लगा क्योंकि सुबह तो समोसा खाए नहीं थे। कुछ है भी? बिल्कुल लहसुन प्याज के अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं, बिस्किट है।
बिस्किट खा लीजिए बाबा जी, बिस्किट दे दीजिए। तो बाबा जी हम कितने दूर चल पाए हैं अभी? आठ। आठ कहाँ चले बाबा जी? हाँ आठ चल गए होंगे बाबा जी, सही कह रहे हैं, आठ चल गए, आठ किलोमीटर चल गया। मैं आपसे कह रहा था कि सुबह निकलिए, अब देखिए कितनी कड़ी धूप हो गई है, एक बज गया। यार कितना कड़ा धूप लग रहा है यार, मैं कह रहा था भैया जी आपसे सुबह चलने को, देखिए कितना कड़ा धूप लग रहा है, अब क्या किया जाए, गाना गाया जाए और क्या। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, गाइए ना भैया जी, बोर हो रहा। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, इसके आगे नहीं आता मुझे भैया जी। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में बैठे। ओह भैया जी, इस तरह के जंगल कितना मतलब खतरनाक सा लग रहा है, दो तरफ से पहाड़ है और बीच में रास्ता है और ठंडक भी बहुत ज्यादा लग रहा है। ओह भैया तो थक गया चलते चलते, रोड पर ही सो गए। वैसे यहाँ काफी ज्यादा ठंडक लग रहा है, इसीलिए हम सोचा कि हम लोग, मैं भी सो जाता हूँ थोड़ा सा इनके साथ। थक गए भैया जी? हाँ भैया थक गए। मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, बस उसका ध्यान रहे गाड़ी का, पता चला कि गाड़ी चढ़ा के चला गया। क्या आनंद आ रहा, ठंडक मिल रहा है, रोड कितना सुंदर लग रहा है। आ जाओ गुरु जी, जल्दी आ जाओ, अभी 10 किलोमीटर चलना है, एक घंटा बचा हुआ है, जल्दी आ जाइए। मैं कह रहा था इसीलिए कि शाम सुबह जल्दी निकलिए, ये रास्ता थोड़ा रिस्की भी है, इधर भालू वगैरह भी रहता है, चीता वगैरह भी रहता है, लोग कह रहे थे। गिर गया फोन। और दर्शन करके जल्दी आना है क्योंकि वहाँ रुकने की कोई जगह नहीं है। अरे आश्रम में बिस्तर उस्तर तो नहीं है ना अपने पास? कंबल है ना? कंबल है, कहाँ कंबल है यार तुम्हारे पास? खाना पीना लोग मदद कर देते हैं, तो भालू लू तो नहीं मिलेगा ना भैया इसमें, क्योंकि इसमें ठीक है भैया, ठीक चलो भैया, चलिए भैया। ओ यार डर तो नहीं लग रहा है? मैं कह रहा था कि जूते पहन लीजिए आप, फिर आप मानते नहीं है ना, मैं कह रहा था कि आपके लिए रास्ता ठीक नहीं है। अरे यार जल्दी पहुंचना पड़ेगा, 4:40 हो गया, वरना ये बहुत घना जंगल है यार, सूर्यास्त का समय यहाँ पर एंट्री वर्जित हो जाता है। ओह भैया जी अब कितने दूर है भैया जी? अब यहाँ से 4 किलोमीटर भैया जी। ओह ओह यार आज तो बिल्कुल 30 किलोमीटर हम चले हैं और भैया जी भी मेरे वजह से चल लिए। मैंने उनको कहा था स्टार्टिंग में कि भैया आप मत चलिए, आप थक जाइएगा, और देखिए कैसे ही वो हाफ भी रहे हैं और मुझे देख भी रहे थे, बिल्कुल घूर भी रहे। मजा आ गया ना भाई पैदल चलने में? मजा आ गया। वैसे क्या क्या खा लिए हम भैया इधर में? खाना तो खाए नहीं क्योंकि खाना तो मिलता नहीं है इधर, और खाना तो बिस्कुट खाए हैं और अपना क्या है, मैं तो कुछ बिस्किट नमकीन और क्या कहते हैं वो जो मीठा वाला जो होता है ना, और वो हमारे होली के दिन गुजिया बनता, उसे सिरके में लपेटते हैं, फिर क्या तो मीठा लग गुजिया जो कहते हैं यार, वो हम खाए। हो यार सब घर जा रहे हैं, सबकी छुट्टी हो गई है। नहीं बाकी है, 5 किलोमीटर काम हो गया तो आगे हो गया। ओह शाम हो गया और ये खतरनाक जंगल है, इधर थोड़ा सा डेंस एरिया पड़ जाता है जंगलों का, इस रास्ते से मैं कल नहीं जाऊंगा क्योंकि दो रास्ते हैं सूरजपुर जाने के, एक तो ये रास्ता सीधे पड़ जाता है जो जंगल से होके जाएगा, नेटवर्क काम नहीं करेगा, और एक है जनकपुर से, तो मुझे वापस जनकपुर जाना पड़ेगा उस सूरजपुर के लिए। ओह अब जाके मिला है श्री राम वन गमन मार्ग सीतामढ़ी छतौड़ा, 100 मीटर की दूरी पर, 6 बज गए। तो इसी गुफा में वो रुके थे, बोले पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, गुफे तक कम से कम पहुँच तो गए हैं, तो थोड़ा दर्शन वर्शन कर लेते हैं। ओ,
अब प्लान करते हैं कि यहाँ कोई रुकने का अगर साधन वगैरह मिलेगा तो यहाँ रुक जाएंगे, वरना यहाँ से रात में जाना पड़ेगा। और रात में जा नहीं सकते क्योंकि ये थोड़ा सा घना जंगल है, और अब पहली बात तो ये राष्ट्रीय उद्यान है ये। तो अंदर चल के देखते हैं। ओहो, ये तो दो दो गुफा यहाँ पर है। एक गुफा ये है और दूसरा गुफा जो है इधर साइड में, लेफ्ट राइट में। और ये यहाँ पर चरण पादुका रखा है श्री राम जी का, लेकिन ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं और बीच में पहाड़ भी है। इधर से रास्ता पूछते अंकल जी से, यहाँ पर तो हैं रहते। जय श्याम अंकल जी। अंकल जी यहाँ रुक सकते हैं क्या एक रात? अंकल जी एक रात रुक सकते हैं? रुक सकते हैं, थोड़ा पैदल यात्रा था अंकल जी, अब रात हो गया तो वापस तो जा नहीं सकते हम। रुकिए, ये आश्रम है क्या बाबा जी? यहाँ तो लाइट उठ नहीं, कैसे रहते होंगे भैया बाबा जी आप इस झोपड़ी में? पत्ते की झोपड़ी है ये पूरा, है ना बाबा जी? और ये सांड गए सबको पालते हैं, मतलब कि खाना पीना भी देते हैं बाबा जी की खाली रहने के लिए? आप खेत यहाँ पर इतना सारा जंगल है तो चले जाते होंगे चरने वगैरह के लिए, है ना बाबा जी? चर के आते होंगे तो इनको थोड़ा पनाह देते होंगे, है ना? चलिए अच्छा काम है बाबा जी ये तो। लेकिन इस वीरान जगह पर अकेले रहना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, डर भी बहुत है। बाबा जी तो बाघ चीता सब देखे हैं बाबा जी आप? सब देखे हम बाबू। तो कभी नुकसान नहीं पहुंचा बाबा जी यहाँ पे? नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे वाह बाबा जी, किस्मत मतलब है, देखना भी अच्छी है और ना हानि ना पहुंचा वो भी अच्छा है। सही है। एक साल भाल साला हमको पर साल हाँ खाने लगा। क्या खाने लगा? भालू। हाँ भालू। अच्छा तो अचानक हुआ हाँ जंगल में यही। अच्छा जंगल में बकरी को धारा इसी बगल वाले जंगल में? हाँ हाँ एक गुफा के बगल में। हाँ बगल में। अरे यार तो फिर एक बकरी को धारा हो। अच्छा बाबा सितवा ये तो गुफा तो लगभग यही 50 मीटर की दूरी पर बाबा जी? अच्छा है ना बाबा जी? ये तो 50 मीटर की दूरी पर है गुफा, तो यहीं पे बकरी को पकड़ा था क्या मालू? हाँ तो बकरी को पकड़ा तो मैं उसको नहीं देख पाया। अच्छा अचानक उसको छड़ाने के लिए दौड़ा जंगल। आप पापा इतना हिम्मत कर लिया? हाँ, रात में नहीं दिन में। दिन की बात दिन है। की बात है। अच्छा दिन में ही भालू आज निकल जाते क्या? हाँ फिर उसको जब हल्ला किया तो छोड़ दिया बकरी को। हाँ बड़ा था भालू? हाँ भाग गया, चितवर है तेंदुआ। कब अभी भालू कह रहे थे आप? नहीं भालू तो हमको पकड़ा था, पकड़े नहीं लेगा। अच्छा जैसे मैं उसको वहाँ पर धरता तो ऐसे मैं बैठाता कूदा। अच्छा अब इधर मेरे क्या मालूम कि इधर भालू है। हाँ। उसी के सामने पहुँच गया। अरे पार भालू के सामने गुफा टाइप कर है। हाँ। उसको भागने कहीं जगह नहीं, द्वार में मैं खड़ा हो गया। अरे मुश्किल हो गया बाबू, कम एक घंटा से ऊपर हो गया। मैं तो चिकन पसीना पसीना, मेरा राग ताज सब बैठ गया। कुल्हाड़ी रखा रहा बस उसी को, ऐसे जमीन को पीट रहा हूँ एक बार। अब हिम्मत कहाँ, भागने की भी हिम्मत नहीं पड़ रहा है। बहुत तेज भागता होगा बालू ने बाबा तब का? नजदीक में भाई नहीं भागत बनी। और चीता बाबा जी कब मिला था? चीता फिर भाग गया तेंदुआ। अच्छा तो बकरी को लेकर? हाँ नहीं नहीं ले जा पाया, उसको छड़ा लिया फिर। ये तो 50 मीटर की दूरी जहाँ भी हम आए थे ना। हाँ हाँ। बाप रे बाप, खतरों से खाली नहीं जगह। हाँ। तो अभी ये गांव के जो अंकल जी हैं, अभी हम बस्ती की तरफ जा रहे हैं और कुछ देखेंगे कि बस्ती की तरफ कुछ खाना पीना है मतलब लेके आएंगे। हाँ। बाबा जी वैसे अपने अभी घर से लेके आएंगे और यहीं पर हम लोग रात में रुकेंगे, जहाँ पर अभी थे ना कुछ देर पहले, वो सीतामढ़ी के जस्ट 50 मीटर की दूरी पर है और बस्ती से थोड़ा आउट एरिया में पड़ जाता है वहाँ पे, है ना बाबा जी? जी।
लो यार बाबा जी अपने घर से ये लेके आए हैं चावल, और क्या लेके आए बाबा जी, टमाटर है, आलू है। चलो हो जाएगा बाबा जी इतने में तो, आलू बड़े छोटे छोटे, कोई दिक्कत नहीं है। लो यार धुल, यार इसको धुल, चढ़ा यार जल्दी से यार, ये ले पकड़। पानी मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा पानी। ठीक ठीक है बाबा जी, ठीक ये लो, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये लहसुन ठीक लाए बाबा जी, क्योंकि बहुत दिन से क्या है ना कि एक काम कर, आलू आलू काट, आलू आलू काटो नहीं, आलू को उसी चावल में कर देना, हम चावल और चोखा खाएंगे बस यार। ये लो, महात्मा आए थे ना दो, हाँ उनके लिए लाया था कुचई और आटा लाया था मकाई का। ओहो, तो ये हो गया मेरा चावल तैयार। बाबा जी मैं आ रहा हूँ ना पूरा। हाँ ठीक। आलू तो पक गया होगा अच्छे से। पूरा आलू नहीं निकाले थे क्या तुम यार? बहुत आलू ना, और जो निकल निकल जाता थाली में। तनी तन आलू बड़ी तंग करता छिलने में यार, पर कोई नहीं, प्यास जो भी दे दी हो बाबा जी सब। बाबा जी क्या मतलब गाँव की लोग है जो मुझे मदद करते रहते हैं यार, बहुत बड़ा सौभाग्य। और ले लो चावल, मिले तुम लो, बस पेट पेट भर लो, बाकी मन भरे चाहे ना भरे। मन भरे है ना बाबा जी, अच्छा है ना बाबा जी, पेट भर लो, ऐसा लगे कि बस खाने के बाद बस नींद ही आए, मन तो भरेगा नहीं, और मन भरना अच्छा लग रहा है। अरे सब भूख में पता है, सब खाना अच्छा लगता है तुम्हें पता है, जब भूखे रहोगे ना तो सब खाना अच्छा लगेगा। तुम आलू नहीं लियो क्या यार? सब आलू तो इसी में है। लियो दो तीन तो निकाल पाए। अरे ले यार भाई आलू, तू ही ले यार, लो नीचे रहा खा लो सब आलू। बस बाबा जी बस, थैंक यू बाबा जी, बिल्कुल चकाचक हो गया होगा।